स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है अलजेब्रा, एंड इसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं हम सब ग्रुप, कोसेट्स एंड लैग्रांजियन थ्योरम। तो लास्ट टाइम पे हमने इसमें टॉपिक कम्प्लीट किया था सब ग्रुप, आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे कोसेट। वी आर सो सॉरी क्योंकि आपके 4 से 5 दिन हो गए हैं, बीच में लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इस वजह से, एंड आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था, तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहती हूँ। बट अब कंटिन्यू आपकी क्लासेस होंगी अपने ही टाइम पे 6 PM पे डेली, ठीक है? तो आज के लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे कौन सा, कोसेट्स। और आज की वाली जो वीडियो है ये भी आपको थोड़ा सा लेट मिल रही होगी, बट कल से आपको बिल्कुल टाइम पे मिलेंगी, ठीक है? कोसेट की अगर हम बात करें, इससे पहले सब ग्रुप का एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें कि आपको क्या याद रखना होगा, ग्रुप की, ग्रुप किसे कहते हैं, कि कोई भी आपको एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है विद एन बाइनरी ऑपरेशन, तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को आप ग्रुप बोलोगे यदि वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनकेस अगर वो ग्रुप 5th प्रॉपर्टी यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, तो आप उसको क्या बोलते हो, एबिलियन ग्रुप बोलते हो। अब आप मान लीजिए कि जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपने लिया, जिसके अंदर आपने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया हुआ है जी, और एक बाइनरी ऑपरेशन लिया हुआ है, हमें नहीं पता है कि एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, क्या है, तो हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, स्टार कंसीडर किया हुआ है। तो सपोज दैट अगर ये हमारा ग्रुप है, तो इसके अंदर जो नॉन एम्प्टी सेट है आप क्या ले रहे हो, उसका एक सबसेट ले रहे हो, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं किसके थ्रू, एच के थ्रू। तो ये नॉन एम्प्टी सेट जो आपने लिया है, जो कि सबसेट होगा इसका, वो इसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ में खुद में भी क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, तब उसको आप क्या कहोगे, सब ग्रुप कहोगे, किसका, इस ग्रुप का। यहां तक हमारा क्लियर हो चुका था सब ग्रुप के ऊपर बेस्ड जितनी भी डेफिनेशन वगैरह हैं, थ्योरम्स हैं, वो सभी हमने लास्ट टाइम पे कंप्लीट कर लिए थे। आज इसी में ही नेक्स्ट टॉपिक है कोसेट, जिसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कोसेट होता क्या है, आपको कोसेट दो तरीके के देखने के लिए मिलेंगे, एक लेफ्ट कोसेट और एक राइट कोसेट। क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, एक तो ग्रुप होता है जिसके अंदर सेट आप कंसीडर करते हो जी, और सब ग्रुप के अंदर सेट होता है एच, जो कि सबसेट होता है जी का, क्लियर? तो आप क्या कहते हो कि जो भी आपने सब ग्रुप लिया है उसके लिए जो सेट आप कंसीडर कर रहे हो वो आप लोगे, और इस ग्रुप जी का आप कोई भी एक एलिमेंट लोगे ए, तो यदि आप उसको ए को इधर के साइड लिखते हो तो ये आपका क्या कहलाता है, राइट कोसेट कहलाता है, और अगर आप इसको लेफ्ट साइड लिखते हो तो ये आपका लेफ्ट कोसेट कहलाता है, और राइट साइड लिखते हो तो ये आपका क्या कहलाता है, राइट कोसेट कहलाता है। ये चीज डेफिनेशन में लिखी हुई है, देखिए एक बार, सपोज जी इज अ ग्रुप, माना जी क्या है, एक ग्रुप है, एंड एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी, एच क्या है, कोई भी सब ग्रुप है जी का। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए माइंड में, अगर आप भूल गए हैं तो हमने क्या माना कि जी कोई भी एक ग्रुप है और एच क्या है, उसका सब ग्रुप है। लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, हमने क्या माना कि ए कोई भी एलिमेंट है किसका, जी का, सो देन दिस सेट, तब उस कंडीशन में जो सेट होगा एच ए, जो कि किसके इक्वल होगा, स्मॉल एच ए के, जहां पर ये जो स्मॉल एच है ये किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल एच को, और ए किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा, सो देन दिस इज कॉल्ड अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए, तब आप इसको क्या कहोगे, राइट कोसेट कहोगे, किसमें, किसका, एच का, जी के अंदर, जो कि जनरेट हो रहा है किससे, ए के थ्रू, और ए किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, तो इसलिए हम कहेंगे दिस इज एन राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, जो कि किससे जनरेट हुआ है, ए से, अगर ए की जगह बी होगा तो किससे जनरेट होगा, बी से। सिमिलरली इसी तरीके से जो सेट होगा ए एच, जो कि किसके इक्वल होगा, ए इंटू स्मॉल एच, वेयर स्मॉल एच किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल एच को, ए तो किसका ही एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, सो ए एच क्या कहलाएगा, लेफ्ट कोसेट कहलाएगा एच का जी में, जो कि ए के थ्रू जनरेट हो रहा है। सो यहां तक आपको पता चल गया कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या होता है, कि अगर आप जी का कोई भी एक एलिमेंट ए कंसिडर करते हो, उसको एच के किस साइड लिखोगे, लेफ्ट साइड लिखोगे, तो ये लेफ्ट कोसेट कहलाएगा एच का जी में, और राइट साइड लिखोगे तो ये राइट कोसेट कहलाएगा एच का जी में, क्लियर? एक होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, मान लीजिए भाई जी आपके पास में कोई भी सेट है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, क्लियर? तो जो हमारा सेट होता है उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है, जो कि मोस्टली अगर देखा जाए तो इनकेस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, और इनकेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है।
तो अब इसके अंदर हमें तो नहीं पता कि कौन सा है, मतलब जो ग्रुप है वो एडिटिव ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, कौन सा है। तो हमने मान लिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई। तो देखो अगर उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करे, ए बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं, तो उसके लिए तो आपके ये हो जाएंगे लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट अलग अलग निकल करके आएंगे। लेकिन अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए देखें तो उस कंडीशन में ई इंटू एच होगा और एच इंटू ई होगा, ये लेफ्ट कोसेट होगा ये राइट कोसेट होगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई आप किसी भी एलिमेंट में करते हो क्या आ जाता है, वही वैल्यू निकल करके आ जाती है। दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू दिस और ये भी किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा। तो इसका मतलब कि जो सब ग्रुप होता है वो खुद का ही क्या होता है, कोसेट होता है। ये चीज लिखी हुई है कि इफ इज द आइडेंटिटी, यानी कि यदि ई क्या है, आइडेंटिटी है, सो देन एच इज इक्वल टू एच होगा और ई एच भी एच के इक्वल होगा। सो देयरफॉर एच इटसेल्फ इज अ राइट एज वेल एज अ लेफ्ट कोसेट, यानी कि एच जो होता है वो खुद का ही लेफ्ट कोसेट भी होता है और राइट कोसेट भी होता है। क्लियर हो गई कि कोसेट होता क्या है। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, एक बार नोट कीजिए। देखिएगा कोसेट की दो थ्योरम्स हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको करेंगे। फर्स्ट आपके सामने लिखी हुई है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछी जा चुकी है ये वाली थ्योरम्स। स्टेटमेंट कहता है कि इफ ए बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी, यदि कोई ग्रुप जी है उसके कोई भी दो एलिमेंट्स माने एक ए और एक बी, एंड एच एनी सब ग्रुप ऑफ जी, और एच क्या है, सब ग्रुप है जी का, सो देन एच ए इज इक्वल्स टू एच बी होगा। इस साइन का मतलब आपको पता है क्या होता है, इफ एंड ओनली। तो मतलब क्या है कि एच ए एच बी के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स यदि बिलोंग करे किसको, एच को। मतलब क्या है कि यदि एच ए इज इक्वल टू एच बी होगा तो उस कंडीशन में ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच को, और ए बी इनवर्स यदि एच को बिलोंग करेगा तो उस कंडीशन में एच ए इज इक्वल टू एच बी होना चाहिए, यानी कि दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए, नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन। एंड दूसरी चीज इन्होंने कही है, ये तो किसके लिए है आपके पास में, राइट कोसाइट्स के लिए। सेम ये चीज किसके लिए करनी है, लेफ्ट कोसाइट्स के लिए। क्या, कि ए एच इज इक्वल टू बी एच होगा इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी किसको बिलोंग करे, एच को बिलोंग करे। अब क्योंकि ये थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है कि जी के यदि आपने कोई भी दो एलिमेंट्स लिए, एक ए और एक बी, एंड एच क्या है, सब ग्रुप है जी का, तो उस कंडीशन में ये दोनों कंडीशंस क्या करेंगी, होल्ड करेंगी। तो सीधी बात है कि हमें क्या करना है, इनको प्रूफ करना है, क्योंकि 110% क्या है, ये ट्रूथ है। प्रूफ करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में अगर हम मान करके चले, एक पार्ट में क्या आएगा कि आप इसको लेकर के चलोगे, इसको प्रूफ करोगे, सेकेंडली आप इसको लेकर के चलोगे और इसको प्रूफ करोगे, है ना। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें आप देखोगे कि एच ए लिखा हुआ है, तो एच ए में ए आ रहा है, इसका मतलब ए क्या है, कोई भी एलिमेंट होगा एच ए का, क्योंकि अगर आप एच ए सेट देखो तो इसके अंदर एच ए एग्जिस्ट करेगा, वेयर एच किसको बिलोंग करेगा, एच को, और ए किसका एलिमेंट है, जी का। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए जो है वो किसका भी एलिमेंट होगा, आपका एच ए का भी एलिमेंट होगा। तो आप क्या लिखोगे कि सिंस ए बी एनी एलिमेंट, ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एच ए, सो देन होगा क्या, इस कंडीशन में आपको दिया हुआ है, देन जितना आप यहाँ पे लिख रहा है कि सिंस ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एच ए, सो देयरफॉर आपको गिवन क्या चीज है यहाँ पे, कि एच ए किसके इक्वल होगा भाई, एच बी के इक्वल होगा। और हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को। अब एक बात बताओ, जब ए हमने कहा कि एच ए का एलिमेंट है और एच ए एच बी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि ए एच बी का भी एलिमेंट होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि ए किसको भी बिलोंग करेगा, एच बी को भी बिलोंग करेगा। भाई अगर कोई भी एलिमेंट है जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, एच ए को, और एच ए एच बी के इक्वल है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट इसको भी तो बिलोंग करेगा। तो ये चीज लिखिए कि ए बिलोंग करेगा किसको, एच बी को। सो इम्प्लाइज दैट यहाँ से आप क्या कर सकते हो, हमें क्या निकालना है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो बी इनवर्स लेकर के आना पड़ेगा। कैसे लाओगे, दोनों साइड बी इनवर्स ले लीजिए। अब क्योंकि हमें ए के राइट साइड में बी इनवर्स लेना है तो राइट साइड में ले लीजिए, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, बी इंटू बी इनवर्स ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। इसको सॉल्व करोगे क्या लिखोगे, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटू बी, बी इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हो, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, बी बी इनवर्स क्या हो जाएगा, ई। ये प्रॉपर्टी आपको पता है कैसे लगेगी, किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई यदि उसके इनवर्स एलिमेंट में होती है तो आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट।
क्योंकि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वन होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसी अनदर एलिमेंट में करने पे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है तो उसका इनवर्स एलिमेंट कहलाता है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, बी इनवर्स को आप क्या लिखोगे, वन अपॉन बी, तो क्या हो गया आपके पास में वन, ये क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमने क्या लिखा है, ई लिखा है। साइड में चाहे तो आप लिख सकते हो वेयर ई इज द आइडेंटिटी, ई इज द आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहां से आपके पास में आ गया दिस, और हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसी में भी करो वो ही वैल्यू आ जाती है। जैसे कि अभी बताया आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है मल्टीप्लीकेशन की केस में, वन, टू की वन में करोगे टू आएगा, फाइव की वन में करोगे फाइव आएगा, सेवन की करोगे वन में सेवन आएगा, फोर्टीन की करोगे फोर्टीन आएगा। तो सेम इसी तरीके से एच में करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, एच ही आ जाएगा। दैट मीन्स हम लेकर के क्या चले थे कि एच ए एच बी के इक्वल है, और हमने प्रूफ क्या कर दिया कि ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, एच को बिलोंग करेगा। यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था। बट अभी हमारा एक पार्ट हुआ है, अब क्या लेकर के चलोगे आप इसका, कन्वर्स पार्ट। तो आप क्या हेडिंग डालोगे, कन्वर्स ही। उल्टा लेकर के चलोगे तो इसमें आप क्या मानोगे कि लेट ए बी इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है, एच को बिलोंग कर रहा है, ये वाली कंडीशन आप लेकर के चलोगे। सो इम्प्लाइज दैट हमें क्या दिखाना है, एच ए इज इक्वल्स टू एच बी। अब उसके लिए हमें एच ए लाना पड़ेगा इधर की तरफ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। दोनों साइड एच एच ले लीजिए, तो एच ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इनटू एच। आपको पता है यदि एच कोई भी सब ग्रुप हो जी का, तो आपको एक प्रॉपर्टी नोट कराई थी कि एच इनटू एच किसके इक्वल होता है, एच के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एच के। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एच ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू एच की फॉर्म में लिख सकते हो। अब और हमें क्या चाहिए, दूसरी साइड एच बी चाहिए। आप साइड में चाहें तो नोट कर दीजिएगा कि H इंटू एच किसके इक्वल होता है, H के इक्वल होता है, क्लियर है। अब दोनों साइड क्या कर लीजिए, B से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो H A B इनवर्स इंटू B इज इक्वल्स टू H B। B इनवर्स इंटू B क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि E। तो इसको आप लिख सकते हो H A इंटू E इज इक्वल्स टू H B। A इंटू E क्या हो जाएगा, A ही हो जाएगा, क्योंकि E क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो इम्प्लाइज दैट H A किसके इक्वल आ जाएगा, H B के इक्वल आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, इसके फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करके दिखाना था, क्लियर है। दिखाई दे रहा है आपको नीचे तक का, एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, और इसके बाद में बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट। अब इसके जैसे ही सेकंड पार्ट आप खुद से कर सकते हो, बस जो चीजें हमने लेफ्ट में ली है वो ही आपको क्या लेकर के चलनी है, राइट में लेकर के चलनी है, तो आपकी ये वाली कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। तो इसका सेकंड पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है, देखना है कि आप पे कुछ हो पा रहा है नहीं, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो ना हो तो कमेंट्स में बता देना, कल को करा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, एक बार यहां तक नोट कीजिए। नेक्स्ट थ्योरम देखिए आपके सामने लिखी हुई है, Any two right or left cosets of a subgroup are either disjoint or identical. मतलब क्या है कि कोई भी दो, या तो right coset ले लीजिए या फिर कोई भी दो left coset ले लीजिए किसी भी subgroup के, तो या तो वो disjoint होंगे या फिर कैसे होंगे, identical होंगे, इनमें से एक चीज होगी। अगर disjoint होंगे तो identical नहीं होंगे, और अगर identical होंगे तो disjoint नहीं होंगे, कोई भी एक condition इसमें satisfy करेगी, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब सबसे पहले कोसेट्स के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक ग्रुप लेना पड़ेगा, उसका कोई भी सब ग्रुप लेना पड़ेगा, एंड देन फिर आप उसके लिए कोसेट्स मानोगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि दैट एच बी एनी सब ग्रुप, एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। हमने क्या माना, एच कोई भी सब ग्रुप है किसका, ग्रुप जी का। अब आपको क्या कंसीडर करना है, कोई भी दो, या तो लेफ्ट कोसेट मान लीजिए या फिर कोई भी दो राइट कोसेट मान लीजिए। सपोज दैट हमने माना कि लेट एच ए एंड एच बी बी एनी टू राइट कोसेट्स, बी एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। हमने क्या माना कि एच ए और सेकेंड एच बी, कोई भी दो राइट कोसेट्स हैं एच के किसमें, जी में। सो देन अब हमें दिखाना क्या है कि या तो एच ए एच बी के इक्वल होगा,
मतलब दोनों आइडेंटिकल होंगे, या फिर हमें क्या दिखाना है कि दोनों डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि एच ए और एच बी के बीच में कोई भी एक सिंगल एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो एक एच ए सेट होगा और एक एच बी सेट होगा, तो उन दोनों में कोई भी एक सिंगल एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि दोनों को बिलोंग करे। तो हम क्या करेंगे, उसका अपोजिट मान लेंगे कि हमने मान लिया कि ये कैसे है, डिसजॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि दोनों को बिलोंग करेगा। तो वही चीज लिखोगे आप कि लेट देन लेट एच ए एंड एच बी आर नॉट डिसजॉइंट। हमने क्या माना कि एच ए और एच बी कैसे नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि अलग अलग। तो इसका मतलब क्या है कि जब एच ए आपके पास में सेट है और एच बी सेट है, तो इसके बीच में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कॉमन हो, मतलब एक एलिमेंट जो कि एच ए को भी बिलोंग कर रहा हो और एच बी को भी बिलोंग कर रहा हो। सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि सो देन देयर एग्जिस्ट, ये किसका साइन होता है, देयर एग्जिस्ट का, एट लीस्ट वन एलिमेंट, वहां पे क्या करेगा, एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि दोनों को बिलोंग करेगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट से सी, जिसको हम सी कह सकते हैं, सच दैट, जो कि किस फॉर्म का होगा कि सी किसको भी बिलोंग करेगा, एच ए को भी बिलोंग करेगा और सी जो होगा वो एच बी को भी बिलोंग करेगा, यानी कि दोनों सेट्स को ये बिलोंग करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों सेट को बिलोंग कर रहा है तो ये इसके किसी भी एलिमेंट के इक्वल हो सकता है और ये इसके भी किसी एलिमेंट के इक्वल हो सकता है। तो सपोज दैट हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो एच ए सेट है उसके अंदर एलिमेंट है एच वन एच टू एच थ्री करके, और जो आपके पास में सेकंड है इसके अंदर भी, तो आप दोनों से कोई अलग अलग एलिमेंट लेट कर सकते हो। तो आप इसको क्या कह सकते हो कि इन अ सेंस कि हमने मान लिया सी किसके इक्वल है, एच वन ए के इक्वल है, एंड इसके लिए हम कह सकते हैं कि सी किसके इक्वल है, एच टू बी के इक्वल है। वेयर, जहां पर एच वन और एच टू दोनों किसको बिलोंग करेंगे, एच वन एंड एच टू दोनों किसको बिलोंग करेंगे, कैपिटल एच को बिलोंग करेंगे, यानी कि किसके एलिमेंट होंगे, कैपिटल एच के एलिमेंट होंगे। और क्योंकि सी यहाँ पर एच वन ए के भी इक्वल है और सी एच टू बी के भी इक्वल है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि इम्प्लाइज दैट एच वन ए किसके इक्वल हो जाएगा, एच टू बी के इक्वल हो जाएगा। एक्चुअल में हमें दिखाना क्या है कि जो हमने दोनों राइट कोसेट्स लिए एच ए और एच बी, दोनों कैसे है, आइडेंटिकल होंगे। क्यों, क्योंकि हम कंडीशन क्या लेकर के चल रहे हैं कि वो कैसे है, डिसजॉइंट नहीं है। तो डिसजॉइंट नहीं है तभी तो वो आइडेंटिकल होंगे। अगर आइडेंटिकल लेकर के चलते तो उस कंडीशन में अगर हम क्या लेकर के चलते, डिसजॉइंट लेकर के चलते, तो वो आइडेंटिकल नहीं होते। और आइडेंटिकल में हमें एक्चुअल में प्रूफ क्या करना होता है कि एच ए किसके इक्वल है, एच बी के इक्वल है। अब यहाँ से देखो एच ए एच बी के इक्वल लेकर के आना है कैसे भी करके। क्या कर सकते हो आप, यहाँ से दोनों साइड एच वन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सपोज दैट हमने की एच वन इनवर्स एच वन ए इज इक्वल्स टू एच वन इनवर्स एच टू बी। अब यहाँ पे देखिएगा किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई अगर हम उसकी किस में करते हैं, इनवर्स एलिमेंट में करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। सो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई इंटू ए इज इक्वल्स टू एच वन इनवर्स इंटू एच टू इंटू बी। आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट में करो क्या जाता है, वही एलिमेंट आ जाता है, यानी कि ए इज इक्वल्स टू एच वन इनवर्स इंटू एच टू इंटू बी। अब क्योंकि एक बात बताइए, एच वन और एच टू दोनों किसके एलिमेंट थे, कैपिटल एच। तो कैपिटल एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। तो हमें क्या पता है कि यदि आप किसी भी सब ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट कंसीडर करते हो ए बी, तो यदि ए और बी कोई भी दो एलिमेंट है किसी भी सब ग्रुप एच के, तो उस कंडीशन में यदि ए एच को बिलोंग कर रहा है, बी एच को बिलोंग कर रहा है, तो ए बी इनवर्स बी किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है। तो अगर हमने कंसीडर किया है कि H1 H2 बिलोंग कर रहे हैं H को, दैट मींस H1 इनवर्स H2 भी किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल H को बिलोंग करेगा। तो आप साइड में शो कर सकते हो कि H1 इनवर्स H2 किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल H को बिलोंग कर रहा है। तो आप क्या कंसीडर कर सकते हो, इसको कोई अनदर एलिमेंट लेट कर सकते हो। तो हमने मान लिया कि सपोज दैट H1 इनवर्स H2 किसके इक्वल मान लीजिए, H3 के इक्वल मान लीजिए, तो A इज इक्वल्स टू आ जाएगा H3 B। साइड में शो करके दिखा दीजिएगा, H1 इनवर्स H2 इज इक्वल्स टू H3। क्लियर है, एक बार पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर ऊपर का हल्का साफ कर रही हूं। इधर साइड में देख लीजिएगा,
तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, एक इसकी इक्वल आ गई एच थ्री बी के, हमें क्या चाहिए एच ए इज इक्वल टू एच बी, इसका मतलब दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा एच से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सो देन एच ए इज इक्वल टू एच इन टू एच थ्री बी आ जाएगा। ये जो एच थ्री है ये किसका एलिमेंट है, ये भी तो कैपिटल एच का ही एलिमेंट है, और एक आपने थ्योरम पढ़ी है कि एच इन टू एच किसके इक्वल होता है एच इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो यहाँ पर एच तो हमारा ऑलरेडी सब ग्रुप है जी का, तो इसलिए एच इन टू एच दैट मीन्स कि एच इन टू स्मॉल एच थ्री किसके इक्वल आ जाए, किसको बिलोंग करेगा कैपिटल एच को, दैट मीन्स इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं एच के इक्वल लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी कि एच ए इज इक्वल टू इन दोनों के जगह पे एच आ जाएगा और इन टू बी, यानी कि एच ए इज इक्वल टू एच बी, सो देयरफॉर आप क्या कह सकते हो कि हेंस जब आपके कोई भी दो राइट कोसेट्स अगर डिसजॉइंट नहीं होंगे तो वो कैसे होंगे आइडेंटिकल होंगे, तो हेंस द टू राइट कोसेट्स आर, या फिर कह सकते हो राइट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप is either disjoint or identical, clear है? यही क्या करना था हमें इस थ्योरम में प्रूफ करके दिखाना था कि अगर किसी भी सब ग्रुप के कोई भी दो राइट ले लो या लेफ्ट ले लो तो कोई भी दो राइट या लेफ्ट कोसेट्स क्या होंगे, या तो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे, तो यही चीज हमने क्या कर दी प्रूफ करके दिखा दी, क्योंकि हम लेकर के चले थे कि वो डिसजॉइंट नहीं है, तो हमने क्या प्रूफ किया कि वो कैसे हैं आइडेंटिकल है, क्लियर है? यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, आज आपका टॉपिक जो था कोसेट्स ये कंप्लीट होता है, नेक्स्ट टर्न पे हम इसमें थ्योरम पढ़ेंगे लैग्रांजेस थ्योरम, एक दो थ्योरम से जैसे कि यूलर्स थ्योरम फर्मेट थ्योरम, तो उसका सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है जिनके भी ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे, एंड देन केलेस थ्योरम, तो दो जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो दो है, लैग्रांजेस थ्योरम एंड केलेस थ्योरम, एक लेक्चर में वो जाएगी और एक लेक्चर में वो, दोनों थ्योरम्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये आपसे पूछी जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में उनको कवर कर लेंगे, अगर इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, बाकी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।